जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर शनिवार को शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। उदयपुर में चलती बस में पेपर सोल्व करते हुए 40 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है। पेपर लीक होने की खबर मिलते ही सुबह 9 बजे एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। करीब 4 लाख अभ्यर्थियों को जीके की परीक्षा देनी थी, अब यह परीक्षा 29 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पेपर लीक के पूरे तार जालौर के सांचौर से जुड़े हुए हैं। जयपुर से पेपर जालौर पहुंचा और पेपर लीक गिरोह के सदस्य बस में पेपर सोल्व करते हुए अभ्यर्थियों को उदयपुर लेकर आए हैं। अगर इस पूरे मामले की तह तक पहुंचे तो यह पूरा मामला ऐसे है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश विश्नोई, सुरेश ढाका और भूपेंद्र है। सुरेश ढाका ने अपने ही साले सुरेश विश्नोई और भूपेंद्र को जयपुर से पेपर उपलब्ध करवाया था। आरोपी सुरेश ढाका मंत्रियों नेताओं तक पहुंच रखता है। सभी आरोपी 15 दिन पहले से ही पेपर लीक की प्लानिंग करने लग गए थे। पेपर मिलने के बाद सांचौर और आसपास के अभ्यर्थियों को ही इसमें शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 50 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। ऐसे में यह पूरी डील 5 करोड़ रुपए में पूरे स्टूडेंटों से की गई थी। एग्जाम से 3 दिन पहले ही इस गिरोह को जयपुर में पेपर मिल गया था। एग्जाम से 1 दिन पहले सारे अभ्यर्थियों को यहां पर बुला लिया गया। गिरोह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पेपर सोल कहां पर कराया जाए। तब जाकर सुरेश विश्नोई और भूपेंद्र ने सांचौर से उदयपुर ले जाने के लिए 1 लाख रुपये में बस किराए पर ली थी। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए में रिश्तेदारों से डील की गई थी। सूत्रों का कहना है कि केवल सांचौर से ही करीब 37 अभ्यर्थियों को बस में बैठाया गया था। पुलिस ने बस में से करीब 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। बस में करीब 60 से भी ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 8 से 10 अभ्यर्थी पुलिस की कार्रवाई से पहले ही बस से उतर गए थे। दरअसल आपको बता दें कि जीके का पेपर लीक कराने में 4 मास्टरमाइंड शामिल हैं। इनमें से 2 जीजा साले और 1 डॉक्टर है। पुलिस ने फिलहाल सुरेश विश्नोई और डॉक्टर भजनलाल को गिरफ्तार किया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सो दोस्तों, राजस्थान सेकंड ग्रेड लीक प्रकरण से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।